हेलो एवरीवन, अपन स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में अपन आगे देखते हैं। अपन ने पहले स्विट्जरलैंड के जो संविधान की विशेषताएं थी देखा कि निर्मित और लिखित संविधान है। दूसरी जो विशेषता थी, कठोर संविधान की विशेष व्यवस्था की गई है, यानी आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। जनता और कैंटनों के बहुमत से, उनकी सहमति से संशोधन हो सकता है। संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। गणतंत्रात्मक राष्ट्र है एक तरीके से स्विट्जरलैंड, क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, शासन का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। बहुल कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं और बारी बारी से वो एक एक वर्ष के लिए उसका अध्यक्ष बनते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड की अपने आप में एक अनूठी और महान विशेषता है जो विश्व के बाकी राष्ट्रों में नहीं पाई जाती। निराली संसदीय व्यवस्था, यानी यहाँ पूर्णतः न संसदीय व्यवस्था है और न अध्यक्ष, ये शासन व्यवस्था, उसका मिला जुला रूप अपने को देखने को मिलता है। आगे की अपन विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, अधिकार पत्र का प्रभाव। देखिए, स्विट्जरलैंड का जो पुराना संविधान था, पुराना जो स्विस संविधान था, जिसका निर्माण 1848 में और बाद में जो उसमें 1876 में संशोधन किया गया, उसमें हालांकि मौलिक अधिकारों का उल्लेख तो किया गया था, लेकिन किसी एक पृथक भाग में नहीं, बल्कि संविधान में जगह जगह वो लिखे हुए थे। एक जगह कोई अधिकार पत्र शामिल नहीं किया गया था। नए संविधान में न केवल नया जो अधिकार पत्र है मौलिक अधिकारों का, नागरिक अधिकारों को शामिल किया गया, बल्कि पहले की तुलना में और विश्व के जो अन्य संविधान हैं उनकी तुलना में भी बहुत ही व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों का समावेश स्विट्जरलैंड के संविधान में किया गया। यदि अपन देखें तो अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। 196 कुल जो स्विट्जरलैंड के संविधान में अनुच्छेद हैं, उनमें से अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। 37 से 40 तक नागरिकता और जो राजनीतिक अधिकार है उनके संबंध में प्रावधान किए गए। और इसके अलावा अनुच्छेद 41 से 43 तक सामाजिक उद्देश्यों का उल्लेख भी किया गया, यानी राज्य जो है, सरकार जो है, वो कौन कौन से समाज कल्याण के कार्य करेगी या कौन कौन से सामाजिक उद्देश्य एक सरकार के हैं, उनका उल्लेख भी संविधान में किया गया। एक तरीके से जिस प्रकार अपने भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, उसी तरीके से वहाँ के संविधान में भी सामाजिक उद्देश्यों के रूप में उनका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद जो 36 है उसमें मौलिक अधिकारों की सीमाएं रेखांकित की गई है। मौलिक अधिकारों को अनुल्लंघनीय बताया गया, यानी राज्य द्वारा, सरकार द्वारा उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगली जो अपन स्विस संविधान की विशेषता देखते हैं वो है निराली व्यवस्थापिका। देखिए, यूनिक वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो किस तरीके से है कि उसको निराली व्यवस्थापिका कहा जाता है। वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सदन और सभासद, या जिसको सीनेट अपन कहते हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। ये स्विट्जरलैंड एक विश्व का ऐसा देश है जहाँ विधायिका के दोनों सदनों की शक्तियाँ क्या है, बराबर है। जैसा कि देखने को मिलता है अपने को कि भारतीय संसद की यदि अपन बात करें तो संसद में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है, राज्यसभा के पास कम शक्तियाँ प्राप्त है। यदि अपन ब्रिटिश संविधान की बात करें या ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश में ब्रिटेन की बात करें तो कॉमन सभा जो है उसको ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जबकि लोर्ड सभा है वो कम शक्तिशाली है। और अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, वहाँ की जो कांग्रेस है जिसको व्यवस्थापिका कहा जाता है, वहाँ भी 2 सदन जो है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट, तो वहाँ सीनेट ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी स्विट्जरलैंड ही विश्व का एक ऐसा संविधान है जहाँ की व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की जो शक्तियाँ हैं वो क्या है, समान है, बराबर है। फिर अपन देखते हैं न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति। स्विट्जरलैंड में जो न्यायपालिका है वो उसको वैसी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है जैसा कि अपन भारत में या अमेरिका में देखते हैं कि वे संविधान की व्याख्या करते हैं या संविधान की रक्षा भी करते हैं। वहाँ का जो संघीय न्यायालय है वो संघ के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता, चाहे वो संघीय संविधान के विरुद्ध ही क्यों नहीं हो। यानी संघीय कानूनों की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो केवल संघीय संसद को है। और यदि किसी कैंटन का कोई कानून या फिर संघ का कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, और न ही संसद द्वारा निर्मित कानूनों को या संघीय शासन के जो आदेश होते हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। एक तरीके से संविधान की रक्षा का जो दायित्व है वो किसको सौंपा गया है,
जनता को सौंपा गया, क्योंकि जनता स्वयं ही लोक निर्णय के तहत संघीय संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। और संघीय संसद संघीय कानूनों की व्याख्या करने का कार्य कौन करता है? संघीय संसद करती है। और यदि कोई कानून संघीय सरकार द्वारा बनाया गया संविधान के विपरीत है तो उसको लोक निर्णय के तहत कौन अवैध घोषित कर सकता है? जनता अवैध घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका का कार्य या संविधान की रक्षा करने का कार्य वहाँ कौन कर रहा है? जनता कर रही है। उसके बाद अपन देखते हैं गतिशील संविधान, यानी स्विट्जरलैंड के संविधान में समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं, जब जब आवश्यकता हुई है परिस्थितियों के अनुसार उसमें संविधान संशोधन किए गए। हालांकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कठोर है, कि जनता भी उससे सहमत हो तभी उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गतिशील संविधान है। फिर देखिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण। पूर्व के यदि अपन संविधान देखें जैसे 1848 का या 1874 का, तो वहाँ स्थायी सेना रखने का अधिकार संघ सरकार को नहीं था। लेकिन नया जो संविधान बनाया गया जो 2000 में लागू हुआ, उसका जो अनुच्छेद 58 है उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि स्विट्जरलैंड की एक सेना होगी और सेना का गठन सैन्य सिद्धांतों के तहत किया जाएगा। और इसी के अगले अनुच्छेद में 59 में कि प्रत्येक स्विस पुरुष को सैनिक सेवाएं देनी चाहिए, यानी अनिवार्य रूप से उनके लिए किया गया। हालांकि महिलाओं के लिए ये सैनिक सेवाएं क्या रखी गई है? स्वैच्छिक रखी गई है। वो अपनी इच्छा से दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। तो इस तरीके से अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण वहाँ पर रखा गया। उसके बाद अपन देखते हैं उदार संविधान। उदार संविधान का मतलब ये होता है कि ऐसा संविधान जो इस धारणा पर कार्य करे कि राज्य जो है वो व्यक्ति के कल्याण के लिए है और व्यक्ति के लिए समुचित जो स्वतंत्रताएँ या अधिकार है उनकी व्यवस्था उस संविधान में की गई हो, और जन कल्याण के सामाजिक सुरक्षा के उपबंध भी यदि किसी संविधान में किए गए हों तो वो संविधान क्या कहलाता है? उदार संविधान। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं स्विट्जरलैंड के संविधान में की गई है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? उदार संविधान। जैसा कि अपन ने देखा कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, साथ ही जो सामाजिक उद्देश्य एक सरकार के क्या क्या होंगे उनका उल्लेख भी वहाँ की संविधान में किया गया, जिस प्रकार भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से जो नया संविधान था उसमें जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के उपबंध करके उसको किसका रूप दे दिया गया? लोक कल्याणकारी राज्य का रूप दे दिया गया, एक उदार संविधान बना दे दिया। उसके बाद अपन देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? जिस राज्य के लिए सारे धर्म समान हो, कोई भी एक विशेष धर्म को वहाँ दर्जा नहीं दिया गया हो राष्ट्र धर्म का या राज धर्म का, और सभी धर्मों के व्यक्तियों को अपने अपने धर्म के रीति रिवाज हैं, मान्यताएँ हैं, वो मानने की क्या दी गई हो? स्वतंत्रता दी गई हो। यानी वहाँ का जो संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 15 में सभी नागरिकों को धर्म या दर्शन की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है कि कोई व्यक्ति कोई सा भी धर्म या दार्शनिक जो भी विश्वास चुन सकता है और उसका क्या कर सकता है? पालन कर सकता है, उसको ये स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा कोई भी नागरिक व्यक्ति जो है धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त कर सकता है, धार्मिक उद्देश्यों का पालन कर सकता है या उनका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। और इसके अलावा ये भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने या फिर किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने या किसी धार्मिक कार्य में शामिल होने या फिर किसी धर्म के जो कायदे कानून है या रीति रिवाज है उपदेश है उनको मानने के लिए या उनका पालन करने के लिए उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। ये एक तरीके से वर्जित घोषित किया गया, असंवैधानिक घोषित किया गया, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये एक तरीके से क्या माना जाएगा? संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं कि वहाँ पर कैंटनों को भी पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। कैंटनों के अपने अलग अलग संविधान है और कैंटनों के अपने अलग संविधान होने के कारण ही उनको वे सभी शक्तियां प्राप्त है जो स्पष्ट रूप से एक तरीके से संघीय सरकार से भी ज़्यादा शक्तियां, जैसा कि अपन ने देखा कि अवशिष्ट शक्तियां भी कैंटनों को सौंपी गई है। और कैंटन जो है वो अपनी स्वेच्छा से संघ में शामिल हुए थे तो वह चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। वहाँ पर स्विस नागरिक की अपेक्षा कैंटन को ज़्यादा महत्व देते हैं कि मैं स्विट्जरलैंड का नागरिक हूँ, इससे ज़्यादा वो मैं कैंटन का हूँ या कैंटन मेरा है, इस तरह की जो भावना है वो राज्य मंडल के प्रति या स्विट्जरलैंड के प्रति वहाँ नहीं पाई जाती। तो एक तरीके से कैंटनों को ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान की अनोखी विशेषताएँ हैं, वहाँ संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का मिला जुला रूप मिलता है। तो
व्यवस्था भी कहा कि भी जो दोनों सदन कहीं पर भी नहीं पाया जाता कि दोनों सदनों की समान शक्तियाँ वो दी हुई है, प्रभुसत्ता का वास है वो जनता में माना गया, संशोधन करने का अधिकार जनता को सौंपा गया है कि जनता चाहे तभी संविधान में क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है, उस संशोधन की शुरुआत भी जनता कर सकती है, कानूनों का निर्माण जनता कर सकती है, जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस भी बुला सकती है। धन्यवाद।